हाँ बताइए बताइए मुश्ताक भाई, जिससे हाँ अगर हम मोड़ के पैंट देखें, बहुत अहम मसला इन्होंने पूछ दिया मुश्ताक साहब, सब्जी वाले आज बहुत दिन बाद पूछे हैं मसला आप, बहुत अहम मसला पूछा। देखिए आप जो चीज़ें पूछ रहे हैं सारी रिकॉर्ड हो रही हैं, बड़ी है ये सारी यूट्यूब पर जा रही हूँ, जितने लोग अमल करेंगे सबके अंदर आपका हिस्सा होगा इंशाल्लाह। अब बैठ जाइए आप। इन्होंने मसला पूछा है कि पैंट अगर बड़ी हो पायजामा बड़ा हो इसको मोड़ लें, मोड़ लें बहुत अच्छी बात है, मोड़ लीजिए, मोड़ करके पढ़ लीजिए नमाज, लेकिन मोड़ करके नमाज पढ़ने में एक इंसान जब किसी अच्छी जगह जाता है, किसी शरीफ इंसान के पास जाता है, तो क्या पैंट मोड़ करके आप जाना गवारा करेंगे? अभी मालिक योगी साहब से आपकी मीटिंग तय हो जाए तो आप पैंट मोड़ करके जाएंगे? योगी साहब तो दूर की बात है, चलिए जौनपुर ही में ले लीजिए किसी साहब को, तो आप पैंट मोड़ करके जाएंगे? ऐसी हालत के अंदर हम जाना जब किसी शरीफ मजलिस में पसंद नहीं करते हैं, उस हालत के अंदर नमाज पढ़ना भी कराहत से खाली नहीं है। प्लास्टिक की टोपी का भी यही हुक्म है, इस पर मैंने मुस्तकिल वीडियो बना दिया है। रह गई बात नमाज की, तो नमाज तो उस हालत के अंदर भी हो जाएगी, नमाज अगर किसी ने टखना ढाक करके पढ़ा है तो भी नमाज हो जाएगी, लेकिन ये नाजायज़ हराम फेल का इरतिकाब लाजिम आएगा नमाज के अंदर, और अगर उठा करके पड़ा है तब तो नाजायज़ का इरतिकाब लाजिम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कराहत पाई जाएगी। और बहुत से लोगों को देखा गया जो नमाज में आते हैं तो अपनी पैंट को उठा लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, मैंने मुस्तकिल वीडियो इस पर बनाई हुई है आसिक यार कासमी चैनल के ऊपर, उसको फोल्ड कर लेते हैं नमाज पढ़ने के बाद, मस्जिद में से निकलने से पहले ही मस्जिद के अंदर ही नीचे। क्या मतलब? बाजार में जो बिकती है वो पैंट बहुत गंदी रहती है। अरे भाई तो आप छोटी कर लीजिए ना, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बिकती है ना, वो सब लोगों के लिए बिकती है ना। तो आप फॉलो करने वाले हैं कुरान को, आप फॉलो करने वाले हैं नबी को, नबी के शरीयत को, पूरी दुनिया तो नहीं फॉलो कर रही है ना, तो हमको अपनी शरीयत के मुताबिक चलना है, हमको अपना ऐसा लिबास नहीं खरीदना है जो शरीयत के मुताबिक ना हो, बात समझ में आ रही? तो उसको आप लें और लेकर के उसको दर्जी से सही करवाएं, दर्जी से सही करवा लें, ठीक है। इसलिए देखिए नमाज के बाद अगर फोल्ड नीचे कर लेंगे तो फिर उसी वाइद के अंदर शामिल हो जाएंगे, इसलिए अपनी पैंट को उतनी कटवा दें और कटवा करके हम उसको ऊंची कर लें, या फिर ऐसे मुड़वा करके उसको हम तुरपाई करवा लें, सिलवा लें। अच्छा ये हमारे भाई पूछ रहे हैं जो इमाम साहब बहुत से पैंट के नीचे उनका टखने के नीचे पैजामा रहता है वो पढ़ा रहे नमाज, पैजामा टखने से नीचे भाई नमाज हो जाएगी मैंने बताया, लेकिन एक नाजायज वेल का इरतकाब लाजिम आएगा, बस समझ में आ रही? नमाज हो जाएगी लेकिन एक नाजायज फेल कर इरतिकाब लाजिम आएगा, मकरूह तहरीमी होगा। जो लोग जो है एक तरह का बिजनेस रहता है उनका, पता रहे वो मांग ही रहे जिंदगी भर हमेशा हमेशा, पता रहे वहाँ से चले आए वो हमारे अब्बा की तबीयत खराब है, वो है। ये जिनका पेशा है मांगना, जिनका पेशा बन चुका है मांगना, तो फिर ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसी सबील निकालनी चाहिए कि वो अपने पैर पर खड़े हों, तो उनका पेशा बन चुका है।